The information is strictly based on the installed plaques and memorials of travelers. The video is just for the purpose of historical experience. No harm has been done to the monuments during the making of the video. Any instance of resemblance to any superstition is purely fictional. हेलो, नमस्कार, आदाब। भारत में मसूरी और शिमला जैसे हिल स्टेशंस अपने दिलकश नज़ारों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों पर कुछ ऐसी यादें, ब्रिटिश राज और यूरोपियन हिस्ट्री के कुछ ऐसे नमूने आज भी दफन हैं जो आपको सिर्फ यहाँ के कब्रिस्तानों में यानी सिमेट्रीज में देखने को मिलेगी, वो भी 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी। हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। तो हम अपनी सीरीज़ पे मसूरी आ चुके हैं और ये जगह बहुत ही कम लोग जानते हैं हर बार की तरह। ये है मसूरी की सिमेट्री। विजिटर्स शुड नॉट रिमूव फ्लावर्स और ब्रिंग डॉग्स इनसाइड द सिमेट्री। इसका आर्किटेक्चर देख के मैं आपको 2 मिनट दूंगा, आप गेस कर लीजिए कौन सी सेंचुरी का होगा। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, ये है 1829 का। जब मसूरी शहर बसना शुरू हुआ था उस समय यहाँ ज़्यादा सिविलियन पॉपुलेशन नहीं थी, यहाँ पर लोग टूरिस्ट के तौर पर आते थे जितने भी ब्रिटिश लोग थे। लेकिन जब यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन बन गई तो फिर लोगों को सिमेट्री की भी ज़रूरत पड़ी। और जैसा कि इस प्लेक में आपको दिख रहा है, मार्च 28, 1828 में द फर्स्ट ब्यूरियल एट मसूरी वॉज दैट ऑफ सर सी फैरिंगटन। ओके, सो ये एक आर्मी मैन थे। और जो ख़ास बात मुझे यहाँ लगी यहाँ पर दफन लाशों की, यहाँ पर जॉन लैंग जो कि रानी लक्ष्मीबाई के लॉयर थे उनकी भी लाश है, और साथ में ह्यूज फ्रेजर जिन्होंने ब्रिटिश कंटिंजेंट को लीड किया था लक्ष्मीबाई के खिलाफ, दोनों की लाशें सेम जगह पे। जिसने झांसी को तबाह किया था उसकी भी, और जिसने झांसी की रानी का केस लड़ा था उसका भी। एंड बियॉन्ड दैट, यहाँ मसूरी में एक और सिमेट्री भी है, और ये सिमेट्री बहुत ही अच्छा ज़रिया है यहाँ के पास्ट को समझने का। देखिए आप, अभी तो ये बंद है, शायद अलाउड नहीं है। इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखेंगे तो पूरा गोथिक स्टाइल है। सी देख रहे हैं, पॉइंटेड आर्क। नाउ लेट्स गो टू अ टाउन इन मसूरी हुज नेम रिजेंबल्स अ सिटी ऑफ आयरलैंड। अब हम आ चुके हैं मसूरी की सबसे हाईएस्ट पीक की तरफ, लाल टिब्बा, जो कि है एक विशाल 2200 मीटर की ऊंचाई पर। और अगर हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं राज के समय की, 19th सेंचुरी की, तो लेंडोर बहुत ही ज़्यादा पॉश सेटलमेंट माना जाता था। एक कैंटोनमेंट भी था यहाँ पर, मिलिट्री हॉस्पिटल भी था, और जो वर्ल्ड वॉर के घायल सैनिक थे जिनको मलेरिया हो गया था या कोई बीमारी का शिकार हो गए थे उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी लेंडोर एक स्थान अलॉट किया गया था। यहाँ पर जो लोग मर जाते थे उनके लिए यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड भी है, तो आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट की लाइफ के लिए लेंडोर बेस्ट डेस्टिनेशन था राज पीरियड का। तो अब हम यहाँ की हाईएस्ट पीक से नीचे की तरफ हेरिटेज वॉक करने वाले हैं, और रास्तों में जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो देखकर आप हैरान हो जाएंगे, ये सिर्फ आपको मसूरी में मिल सकता है इंदौर में। यहाँ से बस आप चलते जाइए और नज़ारा देखते जाइए, पेड़ पौधे को तो यहाँ पर बिल्कुल भी कभी नहीं। Just keep on walking. तो गाइस, ये है यहाँ का केलॉग्स मेमोरियल चर्च। फ्रेंड्स, ये था ब्रिटिश एरा का केलॉग्स चर्च, आप देख सकते हैं
इसका आर्किटेक्चर है वो थोड़ा मॉडर्न है, गोथिक नहीं है। ये बना था 1905 में। अब हम और आगे चलेंगे। यहाँ पर एक चेक पोस्ट जैसा बना हुआ है और जितना मेरी यहाँ से नज़र पड़ रही है यहाँ पर एक कब्र भी है, थॉमस बीच ऑल्टर की, बॉर्न 1950। और अच्छा उस समय यूपी में था। मुझे कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऐसी और भी कब्रें मिलने का अंदाज़ा है। गाइस मुझे लग रहा है मेरा शक सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सी गाइस काफ़ी ही पुराना है। हर कब्र के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देखेंगे। लाजवंती मैकार्थर, अच्छा तो ये इंडियन वाइफ होगी किसी ब्रिटिश ऑफिसर की। और यहाँ पर मुझे एक मूवी की भी याद आ रही है, रोनाल्ड रुस्तम कपाड़िया, 1926 से 1990s। तो ये सबका तरीका है होमेज देने का। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये काफ़ी शानदार और ओल्ड स्टाइल की सिमेट्री है। यहाँ से अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहाड़ के ऊपर तक कब्रें ही कब्रें हैं, तो आप इसे जंगल कम सिमेट्री भी कह सकते हैं। ये एक जंगल सिमेट्री भी है। ओह गॉड, दिस प्लेस इज़ रियली हिस्टोरिक। ये देखिए नीचे आपको एक टोम जैसा कुछ दिख रहा होगा, वहाँ पर भी काफ़ी कब्रें हैं और सीढ़ियाँ भी नीचे जा रही है। हाँ मिस्टर नेगी यार, दिस प्लेस इज़ अ फुल फ्लेज्ड ग्रेवयार्ड। आगे भी ग्रेव्स हैं, इधर भी ग्रेव्स हैं और हम लोग यहाँ पर अभी सुस्ता रहे हैं। हाँ मिस्टर नेगी, बढ़िया जगह है, लेकिन 2200 मीटर की ऊंचाई पे, और मुझे लगता है ये हिमालय के सबसे पुराने ग्रेवयार्ड्स में से एक होगा। कोई फैमिली भी रहती है, देखिए। ग्रेवयार्ड में ही फैमिली भी रह रही है। जहाँ तुम बैठे हो ना, वो पीछे देख लो ज़रा, वहाँ पर कोई आदमी बैठा है। आपको जंगल के अंदर जाके ग्रेवयार्ड भी दिखाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ग्रेवयार्ड में है क्या ऐसा देखने का, लेकिन हर ग्रेव के साथ कई कहानियाँ जुड़ी हुई है, पूरी हिस्ट्री अटैच्ड है। सही में एक्सप्लोरर तो है ही। यार जहाँ भी हम जाते हैं, हम पॉपुलर प्लेसेस पे तो जाते नहीं, यही सर्किट पीडिया का यूएसपी भी है। दोस्तों अब मैं एक सीरियस बात करने जा रहा हूँ। ग्रेवयार्ड सिंबल किस चीज़ का है आप समझ सकते हैं? जो ये ग्रेवयार्ड है ये फाइनल डेस्टिनेशन को दिखाता है, पीस को शो करता है। जिसको कहीं भी शांति नहीं मिलती है उसको यहाँ मिलती है। ये एक टोम सा बना हुआ है, उसके ऊपर एक क्रॉस भी है, अगर आपको मैं दिखाऊं। ये कुछ यूनिक चीज़ है जो मुझे आज तक देखने को मिली नहीं है। ये जंगल के बीच में इस स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं, पता नहीं कितनी कहानियाँ छुपाए हुए हैं ये स्ट्रक्चर। सी अभी भी नेगी जी। गाइस आई प्रे टू गॉड, रेस्ट इन पीस। यहाँ देख सकते हैं ये प्लेक लगा हुआ है, टू द मेमोरी ऑफ मैरिया कार्ने। रेस्ट इन पीस, काफ़ी पुराने हैं ये सब। यहाँ पर आपको क्रॉस भी दिख जाएंगे काफ़ी सारे। मैं आपको आज ये भी दिखा दिया, ये जो स्ट्रक्चर है सिमेट्री का। कुछ नई कब्रें भी हैं, तो क्या कहते हो, नहीं चले ऊपर चलते हैं वापस। काफ़ी अंदर आ चुके हैं हम जंगल के।